गाइस कैसे हो आप सब एंड थैंक यू फॉर टर्निंग बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइड 300। आज है 24th ऑफ जैन 2020 एंड टाइम हो रहा है अभी 3:06 एंड अभी मैं जा रहा हूँ पोइसर जिम खाना, क्योंकि उसका एक रीज़न है। तो रीज़न ये है कि वहाँ पर एक व्लॉगर आने वाला है जिसका नाम है अमन जैन एंड जिसका यूट्यूब चैनल है फुटप्रिंट्स करके, मस्त ट्रैवल व्लॉग्स बनाता है, अच्छे खासे एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट देता है। वो कैसा व्लॉग बनाना चाहिए, किस तरह का कंटेंट आपका होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो बताने वाला है। तो ऐसे सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं कि ऐसा मीटअप टाइप ऐसा कुछ उसने अरेंज किया हुआ है। अब लूँगा यहाँ से मैं लेफ्ट, ब्रिज नहीं चढ़ना है हमें ब्रिज के नीचे से जाना है। ओ हो हो हो, रास्ता ख़राब है। मैं वहाँ पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए रोज़ हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। तो आज ऐसे मैं व्लॉगर्स लोगों के मीटअप पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो नया सीखने मिलेगा क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स वहाँ पर हो गए ना इसलिए। ओहो, दोस्त हेल्पिंग हैंड तो दे रहे हैं, तो हेलमेट डाल लेता तो बेटर होता। कोई नहीं, रीज़न मेरा ये है वे वो व्लॉगर्स के मीटअप पे मिलने का, क्योंकि वो ट्रैवल व्लॉगर है एंड मैं हूँ मोटो व्लॉगर। तो व्लॉगर और मोटो व्लॉगर दोनों सिमिलर ही है, लेकिन कैसा, मैं बाइक पे व्लॉग्स बनाता हूँ और वो ट्रैवल व्लॉग्स बनाता है। तो मुझे उसमें से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने मिलेगी, वो भी सीखने मिलेगा ना, मैं आपको डायरेक्टली व्लॉग में आपको बता दूंगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आप ज्ञान समझ के रखोगे अपने पास तो फिर ज्ञान बढ़ेगा नहीं, हमें लोगों को ज्ञान बांटना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो यस बोलना कमेंट सेक्शन में, अगर गलत बोल रहा हूँ तो फिर बोलना भाई यू आर रॉन्ग, ठीक है। सब दो मोस्ट ऑफ जो भी ऑडियंस ये वीडियो देख रही है उनका क्वेश्चन ये रहेगा, ये बंदा मोटो व्लॉगर है तो ये व्लॉगर्स के मीटअप पर क्यों जा रहा है? तो उसका रीज़न है लर्निंग, कुछ नया सीखने मिलेगा। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें वो कैसे आमिर खान सर बोलते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए हमें। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं हूँ मोटो व्लॉगर एंड बीइंग अ मोटो व्लॉगर एंड व्लॉगर दोनों का काम सेम ही होता है व्लॉगिंग करना। बस मैं सिर्फ मोटरसाइकिल पे व्लॉग करता हूँ एंड व्लॉगर्स जो होते हैं वो ट्रैवल व्लॉग करते हैं, बहुत सारे व्लॉगिंग के स्टाइल्स होते हैं। अब मैं लूँगा यहाँ से लेफ्ट, A few moments later. कितना टाइम बाकी है? लो भाई सिग्नल चालू हो गया हमारा, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग। मैं तो मैं वैसे भी रुकने ही वाला था, लेकिन वो बंदा पहले रुक गया इसलिए मैंने बाइक निकाल ली अपनी। वैसे व्लॉगिंग का जो वर्कशॉप है वो 4 बजे चालू होने वाला है एंड मैं निकला हूँ घर से 3 बजे, उसका भी रीज़न है, वो रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। मैं चला रहा हूँ बाइक एंड बाइक के लिए सेफ़ पार्किंग ढूंढना बहुत ज़रूरी है इसलिए, ताकि मुझे बाइक के लिए अच्छा खासा सेफ़ पार्किंग मिले, नहीं तो कैसा है RTO ने अगर बाइक उठा ली तो फिर प्रॉब्लम ही होगा मेरे लिए, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा एंड मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। अब ये रहा पोइसर का सिग्नल एंड पोइसर से सिग्नल से मैंने लिया राइट। ओ ओ ओ ओ, कभी भी ना दूसरे व्हीकल्स के पीछे नहीं चलाना चाहिए, या तो उनके व्हील के लाइन में चलाओ या तो उनसे थोड़ा हट के चलाओ, यानी कि एग्जैक्ट उनके पीछे नहीं, ताकि देखो ये रेस लग रहा है, ये दोनों के बीच में रेस चल रहा है शायद से। वेल गाइस, ये रहा रघुलीला मॉल, इसे कहते हैं रघुलीला मॉल, यहाँ पे मूवीज देखते शॉपिंग करने भी आ सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, ऊपर गेम्स का भी है, हाँ गेम्स भी खेल सकते हो वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे आज मौसम थोड़ा सा गर्म लग रहा है, आज इतनी ठंडी नहीं है जितने 2-3 दिन पहले थी, है कि नहीं? अगर आपको लगता है कि आज गर्मी ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। यहाँ पर देखते हैं कोई अच्छा सा पार्किंग मिलना चाहिए यहाँ पर, आई होप यहाँ पर RTO का इशू ना हो। हेलो
जी फाइनली पहुंच चुके हैं अभी लोकेशन पे एंड यहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है सेफ एंड साउंड। देखते हैं अभी, आई होप कि कोई आरटीओ वाला बाइक उठा के ना लेके जाए। तो अभी अपन चलते हैं आगे की तरफ एंड एड्रेस पूछते हैं किसी को, नहीं तो पहले एड्रेस पूछना पड़ेगा मुझे। एड्रेस नहीं पूछा कहीं पे भी चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है तो आगे जाते हैं अभी। तो लो जी फाइनली पहुंच चुके हैं अंदर एंड अंकल ने, वॉचमैन अंकल ने मुझे गाइड किया है कि हमें वहाँ पे जाना है, ये वाली बिल्डिंग है ना वहाँ पे हमें है, वहाँ पर हमें जाना है क्योंकि व्लॉगिंग का जो वर्कशॉप है वो वहाँ पर है। यार लाइट यहाँ पे आ रही है ना तो थोड़ा सा ग्लेयर्स आएगा लेंस पे, तो मैं क्या करता हूँ सनलाइट की तरफ रहकर बात करो तो बेटर होगा, है ना। एक्चुअली कैसे मैं थोड़ा जल्दी आ गया, टाइम हुआ है अभी 3:28, साढ़े में हो चुके हैं, वैसे आधा घंटा और है, कोई बात नहीं तब तक वेट कर लेंगे और क्या। व्लॉगर्स लाइफ। मोस्टली कहीं दिख नहीं रहा है, तो जैसे ही 4 बजे के वैसे लोग आना, कंटेंट क्रिएटर्स आना चालू हो जाएंगे, तभी मैं आपको पूरा अपडेट करता हूँ, तब तक स्टे ट्यून। ठीक है। सो अमन भाई कहाँ पे हो आप, कितने सारे क्रिएटर्स आपके लिए इतना वेट कर रहे थे को। बढ़िया नेम एंड दिस गाय, यहाँ पे व्लॉगर्स देखो व्लॉगर्स, और ये जतिन भाई है, ये मोटो व्लॉगिंग करते हैं और इनका चैनल का नाम राइडर 300 है। A few moments later. Oh my God! Aman bhai aa chuke hain, unke jo favorite dost hai wo bhi aa chuke hain. Hello bhai, how are you? Finally, dekho aa chuke hain. Aman Jain. Woo! So everybody is a vlogger here. Yeah. नहीं 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 ठीक है, उनका जॉनर होगा, बट अगर आप मुझसे पूछो कि ब्लॉग में स्क्रिप्ट करना चाहिए कि नहीं तो आई वुड से मत करो, बट ऑलवेज कीप अ विजुअल। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी आज आप ये ब्लॉग क्या पे बनाने हैं, तो एक रात पहले ना हमेशा ये सोचो कि ब्लॉग शुरू कैसे होगा, व्हाट विल आई डू, हाउ विल इट एंड, प्लान ए प्लान बी। अगर ब्लॉग नहीं बनता, अगर अमन नहीं आया, अमन ने वर्कशॉप कैंसिल कर दिया, तो मैं क्या करूँ। सो ऑलवेज हैव टू प्लान फॉर योर ब्लॉग्स, कि अगर एक जगह पर गलती हो जाए तो उसका बैकअप करो, दैट इज द बेसिक सेट ऑफ ब्लॉगिंग। और एक दिन खाली ऐसे अपने साथ स्पेंड करो और साल में कैमरा लेकर चले जाओ, आपको कंटेंट मिल जाएगा। चलो वो भी नहीं हुआ, ठीक है फिर क्या करें, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क द ऑडियंस, बेस्ट सजेशन आस्क द ऑडियंस, क्योंकि अगर नहीं समझे ना ऑडियंस को पूछो क्या करें, आपको
ऐसे ऐसे सजेशन आएंगे ना माइंड ब्लो हो जाए. अभी नेक्स्ट थिंग इज कितनों को हमें लगता है दैट गुड इक्विपमेंट्स कैन गेट यू 100 मिलियन व्यूज एंड अ मोबाइल कैन गेट यू ओनली 100. नोप. लगता है किसी पर टूल आ रहे हाई एंड कैमरास आर जस्ट अ टूल टू इंक्रीज योर. जो अच्छे कैमराज होते हैं जस्ट अ टूल है कि आपके कंटेंट को और क्लैरिफाई कर सके. स्टोरी तो आपका वही रहेगा, कंटेंट आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपको इम्प्रूव कर देगा आपकी क्वालिटी को. वैसा तो मैंने फिर नहीं गलती कर दी. नहीं वैसा नहीं है, मतलब कर सकते हो ऐसा, बस एंड ऑफ द डे आपका स्टोरी मेन रहेगा. What you have to concentrate on is the story, is what you are saying, is how do you present yourself in the video. मैं ये नहीं बोल रहा कि 2 किलो का मेकअप करके बैठो, माइनस में जाएगा सबसे. But how do you present yourself? पता है आपको क्या बोलना है. अगर आपको वो चीज़ आ रही है ना, आप 1,000 रुपये का छोटा सा GoPro भी ले लो ना, GoPro में रिएक्शन क्या मिला. So never ever think कि आज मेरे पास कैमरा है, आपके पास फोन है, तो आप भी अपग्रेड करो. अरे नहीं पप्पा मेरे को कैमरा ही चाहिए, वरना मैं चला जाऊंगा छुट्टी. डोंट डू दैट. और इस फोकस ऑन द स्टोरी एंड हाउ यू प्रेजेंट. तो माइक करो. आई एम नॉट सेइंग कि आप रोड 25,000 का लो, बट एक अमेज़न मैंने जब शुरू किया था मेरा सेटअप पता है क्या था. फोन हमने ये भी नहीं, इससे भी गया मेरा 250 का. नहीं 250 वाला भी नहीं था, 150 का अमेजोन से मैंने लिया था. उसको पूरा सर्कल करके उसके ऊपर मैंने ये डाला था रबर बैंड, उसको मैंने क्लिप किया था इसके ऊपर. ये सेम था, सेम सेटअप. ऑन दिस आई हैड क्लिप्ड इट, ठीक है, और उससे मैं बात करता था. और मेरा जो ट्राइपॉड था ना, वो मैंने 100 रुपीज़ का मेरा ट्राइपॉड था, उससे मैंने व्लॉगिंग शुरू किया. तो बेसिक चीज़ आपकी क्या बताया, द ऑडियो. ऑडियो एज ही सेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है एट टाइम्स हम ऑडियो बोल तो देते हैं जहाँ पे सबको सुनाई देगा, बट जब आप एडिटिंग करोगे तो इसके साथ ये भी आएगा, वो नीचे वो गाड़ी जा रहा है वो भी आएगा, अब वो आदमी चिल्ला रही है उसका भी आएगा. तो एक माइक तो ले लो. तो माइक का एक फंडा है कि वो हमेशा ऑडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो सेटअप है ना, ये मेरा फेवरेट सेटअप है. इसमें सब कुछ आएगा जो मैं यूज़ कर रहा था, द लेंस, द फोन एंड द माइक एंड द ट्राइपॉड. तो ये चार चीज़ तो रखो. और ट्राइपॉड का क्या एडवांटेज होता है पता है, कि ट्राइपॉड है ना कभी भी ऐसा मत हो. आई शो यू हाउ टू डू इट. ट्राइपॉड है ना हमेशा बंद है, ट्राइपॉड है ना हमेशा ऐसा. एंड बॉल हेड हमेशा होना चाहिए था. ओके. क्योंकि यहाँ पे मैं अभी ऐसा पकड़ रहा हूँ, ये कितना वाइड हो गया. अब मैं इसको ऐसा रखूँ, फर्क दिख रहा है. तो देयर इज ऑलवेज अ वे टू कीप द ट्राइपॉड आल्सो. तो ये जो माइन्यूट डिटेल्स है ना, जो किसी को पता नहीं रहती बट सबको पता भी रहती, इस पे ध्यान दो. दैट विल ओनली एनहांस योर ब्लॉग. दैट्स व्हाई दे सेड यस. तो जब आपका काम बोलेगा ना, तब सब कम हो जाए, सब चुप हो जाए. तो काम पे फोकस करो, काम को बोलो. दैट इज वेरी सिंपल थिंग एक्चुअली. डेस्टिनी पे ये रखो भरोसा. तो भाई साहब फाइनली सेशन ख़त्म हो चुका है. बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है, जैसे कि व्लॉग कैसे करना है, कैसे स्टोरी टेलिंग करना है, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी पता चली ना, जो कि मैंने खुद अपने ऑब्जर्वेशन से भी मुझे पता नहीं चली थी. तो अभी आपने काम करें, फटफट गाड़ी स्टार्ट करते निकल गए यहाँ से. सो गाइस फाइनली वर्कशॉप तो ख़त्म हो गया, लेकिन कैसे है कि आज के वर्कशॉप में जो चीज़ें मुझे नहीं खुद नहीं पता थी, वो सारी चीज़ें मुझे पता चली है. एंड साथ ही इतने सारे मेरे दोस्त भी बन चुके हैं साथ में, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है. तो मैं सबको एक बार एक एक सबको इंट्रोडक्शन भी करवा देते हैं उनके नाम के साथ, और उनका चैनल का नेम क्या है, उनका जॉनर क्या है, वो भी आपको बता दें. व्हाट्स योर नेम? भाई आदित्य. एंड व्हाट्स योर चैनल नेम? वन माइल विद अ स्माइल. आई मेक ट्रैवल व्लॉग्स. ओके, ट्रैवल व्लॉग्स, मतलब बहुत खास बड़ी बातें हैं दोस्त. मेरा नाम केतन विकाम है, मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूं. ट्रैवल व्लॉग्स वो हो. यश वैद्य. अभी फिलहाल वीडियो डाला नहीं है, बट डालना है यार, बहुत जल्द है. बहुत जल्दी डालेंगे, मतलब कॉन्फिडेंस उनको भी अब बिल्डअप हो गया कि अभी तो यूट्यूब करना ही करना है कि नहीं. सॉरी चैनल रोहित हीरे ब्लॉग्स. ओके, बढ़िया. नहीं साथ पीने का ब्लॉग्स आई अपलोड, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स जरूर चेक करना और सब्सक्राइब करना, और इनको भी सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब करो इनके चैनल. अरे थैंक्स बड़ी. हर्ष प्रगानी ब्लॉग्स,
अभी जस्ट स्टार्ट किया है, सिर्फ दो ही वीडियोस अपलोड किए, बट मेक श्योर यू सपोर्ट मी एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस पर्सन। कोई नहीं यार, वो मेहनत कर रहे, सबका भी चैनल ऊपर आ जाएगा, टिल देन मेहनत करते रहो। और क्या, तो एक काम करते हैं अपन, अभी यहाँ से निकल दे फटफट। पहले तो सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरी बाइक खड़ी है कि नहीं, क्योंकि वो शायद से मैंने रॉन्ग साइड पे पार्क की है, तो कहीं आरटीओ वाले उठा ना ले गए हो, तो वो चीज़ का मुझे बहुत टेंशन लग रहा है। तो पहले अपन देखते हैं, वहाँ पे जाते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्टली एक्शन कैमरा मोड पर मिलता हूँ, जो कि मेरे हेलमेट पर माउंट रहेगा, ठीक है। तो अभी अपन फटफट ग्लव्स पहन लेते हैं एंड निकलते हैं घर की तरफ। तो फाइनली अमन जैन से मिल लिए, बहुत ही सारी चीज़ें सीखने मिली उनसे, जैसे कि ऑडियंस स्टोरी टेलिंग कैसे करना है। तो अभी आप उन आ गए अपने मोटर ब्लॉग पे वापस, तो अभी आप उन फिर से अपना मोटर ब्लॉग करेंगे चालू। एंड ये रहा पोइसर का जिम खाना। तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे साथ एक फ्रेंड बैठा है, व्हाट्स योर नेम बड़ी, रोहित अविरे, जो कि मुझे अभी अभी जस्ट मेरा फ्रेंड बना है। तो मुझे उनको ना एक्चुअली बोरीवली स्टेशन पे ड्रॉप करना है, तो उनको मैं डायरेक्टली कोदा किनारे का जो सिग्नल है, कोदा किनारे का जो ब्रिज है ईस्ट और वेस्ट का, वहाँ पे मैं उनको ड्रॉप कर दूँगा। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई अमन जैन से मिलने के लिए विक्रोली से यहाँ तक आए, सोचो मतलब क्या प्यार होगा ऐसा यूट्यूबर के लिए, बहुत ही फंटास्टिक यार। सो कैसा ना, मैंने अपने हेडलाइट तो चालू किए लेकिन कितना इतना कुछ इफेक्ट हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे हाईवे हिट करूँगा अपने ऑक्सिलरी लाइट्स चालू कर दूँगा मैं। वो अंकल तो रिक्शा वाले ने देखे बिना टर्न ले लिया, विच वॉज नॉट गुड एट ऑल, उनके लिए भी रिस्की था, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा रिस्की था। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यहाँ पे स्टेशन है ये वाला, ठीक है, मिलते हैं बाद में अपन, ओके बाय बाय। बड़े थैंक्स, राइड है 300, बाय बाय, राइड सेफ। तो फाइनली हमने अपने दोस्त को ड्रॉप कर दिया है स्टेशन पे, स्टेशन पे नहीं बोल सकते, ब्रिज पे, जो के अरे भाई ओहो, उसको बचाने में अभी मैं भी जाता था, वो भी गिरता था। आई होप यहाँ से रास्ता हो चालू। ओह माय गॉड, आई होप बाइक स्लिप ना हो। थैंक गॉड यहाँ पे रास्ता है साफ, बच गए। सो गाइस, कैसा ना कि मैंने अपने ऑक्सिलरी जो लाइट्स थी वो मैंने ऑफ कर दी पर्पसफुली, क्योंकि कैसा है अभी मैं हाईवे पे नहीं चला रहा हूँ ना, इसलिए अब जब हाईवे पे चलाऊँगा तब करेंगे ना, अभी मैं फ़िलहाल तो ऐसे छोटे छोटे रोड्स पे चला रहा हूँ, तो कैसे सामने वाले जो ऑनकमिंग ट्रैफिक है उनको ऐसा तकलीफ होगा आने में, इसलिए मैंने ऑफ रखी है लाइट्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइट्स की वजह से किसी और को तकलीफ़ हो। नहीं, सीधी सी बात है ना, देखो ये आफ्टर मार्केट हेडलाइट है सब, वो जो एक्टिवा वाला था ना वो आफ्टर मार्केट हेडलाइट था। अच्छा, तभी मैं अपनी ऑक्सिलरी लाइट्स कर दूंगा चालू, बहुत ही मज़ा आएगा। रुको रुको, पहले ब्रिज चढ़ जाऊँ मैं आराम से, इंडिकेटर्स देते हुए राइडर 300, अब करेंगे ऑक्स लाइट चालू। ओ हेडलाइट करेंगे बंद, वैसे अच्छा खासा रश रहेगा अभी तो। गाइस, जब भी आप ऐसे लेन स्विच करते हो ना, तो ना इंडिकेटर्स देखे क्या करो, क्योंकि कैसे है आप तो लेन चेंज कर दोगे, आपके पीछे जो बंदा रपा-रप जो फास्ट चला के आ रहा है वो कहीं आपको ही ना डाल दे, तो
ऐसे राइडर मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा स्विच करते टाइम ऐसे इंडिकेटर्स देना ज़रूरी है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करो, अगर सही नहीं लगता है तो कमेंट में मुझे बताओ कि रीज़न कि क्यों नहीं करना चाहिए। टिल देन गाइस, अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही।